तो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद वापस से आप लोगों के सामने में एक मेरा नया प्रैक्टिसिंग वीडियो लेके आया हूँ टारगेट शूटिंग का। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हो, मैं अपने हर एक वीडियो में यही मेरी राइफल यूज़ करता हूँ, 0.177 कैलिबर की NX 200 अथीना। तो आज का हमारा टारगेट है एक छोटा सा लोहे का पाइप, चौकोर शेप में। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। डिस्टेंस जो रहने वाला है वो लगभग आज थोड़ा कम रहने वाला है, क्योंकि आप लोग पीछे देख सकते हैं कि मैंने अपने पेड़ पौधों के लिए नेट लगाई, तो अभी स्पेस बराबर नहीं मिल रहा मेरे को। फिर भी मैं कोशिश करूँगा 55 फीट दूर से मारने की। तो देख सकते हैं, ये वो छोटा सा लोहे का होलो एक मेरी टेबल का पाइप है जिस पे हम शूट करने वाले हैं। है एकदम पतले पत्ती का, कितने mm का है वो तो मुझे पता नहीं, आप लोगों को देख के पता पड़ जाएगा। तो इस पे शूट करेंगे अपन, छोटा सा ही है। पीछे दीवार की, ताकि दीवार ख़राब ना हो इसलिए मैंने ये लकड़ी का फंडा लगाया इसके पीछे। आप लोग जैसे देख सकते हैं काफ़ी गहरे खड्डे हो गए, तो मैं और नुकसान नहीं करना चाहता अपने नेबर का, इनको मैं जल्द से जल्द सही करवाने वाला हूँ वैसे तो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, 55 फीट दूर से तो नहीं, लेकिन मैं लगभग 45 फीट दूर से चलाने वाला हूँ अपनी राइफल को, और देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। पैलेट्स की बात करूँ तो पैलेट्स में जो यूज़ कर रहा हूँ, एक तो पॉइंटेड होगा, एक फ्लैट हेडेड, और एक रहेगा एक कॉपर का। ये देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए पहला शॉट लगाते हैं। पहला शॉट लग गया, चलो देखते हैं कहाँ पे लगा है। मैंने पॉइंटेड हेडेड से चलाया था, और देखते हैं क्या रिजल्ट है। यहाँ पे लगा है, इधर बढ़िया था पहला शॉट। ये आप लोग यहाँ पे डेंट देख सकते हैं, डेंट आ गया इधर। दूसरा शॉट चलाता ही इवन मैंने पॉइंटेड से चलाया था, अब देखते हैं फ्लैट हेड से भी चला के देखते हैं, और एक कॉपर हेड। गर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है, बड़े मुश्किल से पेड़ पौधे बच पा रहे हैं। देखिए कुछ कुछ तो सूखने आ गए। लाल भिंडी का भी बढ़िया उग रहा है, देख सकते हैं आप। लाल भिंडी यहाँ थोड़ी सी बड़े मुश्किल से मिली, ऑनलाइन आप भी देख सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाती है। इसके बीज रेड ओकरा के नाम से, रेड ओकरा सीड आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा आपको। चलिए दूसरा शॉट लगाते हैं। कॉपर हेड से चला रहा हूँ, कॉपर हेड जो कि स्पेरिकल हेड की है, सॉरी कॉपर पैलेट और स्पेरिकल हेड की। चलिए वहाँ से लग के पैलेट वापस आइए, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये शेप था इसका, और ये वाला शेप आ गया है
आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए हमारे टारगेट से लग के वापस आया और टारगेट भी गिरा हुआ है, कितनी चपटी होगी देखो। चलिए बहुत ही अच्छा है, सेकंड शॉट भी क्लियर लगा, बोलते काम लगा है। गजब हो गया दोस्तों, सेम जगह पे लगा है देखो, कहीं पे भी वो निशान नहीं है, सेम जगह पे डबल डबल शॉट। गजब हो गया, ये फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ सेम जगह पे, क्योंकि हिट करके आई ये पैलेट हमारी, आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत ही शानदार। मजा आ गया, ये देखिए ये ऐसे लग के वापिस आई है। ये देखिए क्या शेप था इसका और क्या हो गया, गजब यार। सेकंड शॉट सेम प्लेस पे, सेम 45 फीट से। कोई बड़ा अचीवमेंट तो नहीं है लेकिन सही है, कभी कभार हो जाता है। तीसरा शॉट चलाते हैं फ्लैट हेड से। तीसरा शॉट लगा रहे हैं फ्लैट हेड। ये वाला मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दो शॉट बहुत अच्छे थे। ये वाला कहाँ लगा है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। आज बड़े मुश्किल से टाइम निकाला है वीडियो बनाने का वापस से। यहाँ लगा है, ये देखिए चलो कोई ना। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मुझे दूसरा पैलेट भी मिल गया है, मतलब जो फर्स्ट वाला पैलेट था अपना पॉइंटेड वाला, देखिए परफेक्टली इस डेंट में आ रहा है और इसका शेप कैसा हो गया। इसको बोलते हैं परफेक्ट मशरूम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दबा हुआ है तो इतना भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप देखिए कितना चपटे होगी वो। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पता नहीं कब वापस से मौका मिलेगा वीडियो बनाने का, तो कोई ना, मिलते हैं, बाय, थैंक यू, जय हिंद।